हेलो गाइस, आज मैं बताने वाला हूँ कि आप भी कैसे आपकी गेमिंग चैनल के लिए ऐसा गेमिंग लोगो बना सकते हो, वो भी पिक्सआर्ट ऐप के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहले ओपन करते हैं हमारा पिक्सआर्ट ऐप और हम जाते हैं हमारा जो लोगो होगा वो ये वाला फ़ोटो हम लेंगे। उसके बाद हम इसको क्रॉप करेंगे, क्रॉप टूल पे जाके तो हम लेंगे ये यूट्यूब वाला ऑप्शन। तो इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। आप आपकी तरह एडजस्ट कर लेना, मैं मेरी तरह कर लेता हूँ, ठीक है। तो एडजस्ट होने के बाद हम डन मार के फिर जाएंगे इफेक्ट्स टूल में। तो इफेक्ट्स टूल में जाने के बाद हम ए वाला इफेक्ट्स ले लेंगे, थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप आपकी, ठीक है, करके डन कर देना। डन करने के बाद हम जाएंगे ऐड फोटो पे। ऐड फोटो पे जाने के बाद हम दोबारा से यही वाला फ़ोटो लेंगे, ठीक है। तो यही वाला फ़ोटो हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद हम जाएंगे रिमूव बैकग्राउंड ऑप्शन पर। ऑप्शन पर जाने के बाद रिमूव बैकग्राउंड पे आप टैप करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। आपकी लोगो जैसा होगा तो वैसे ही आपका फ़ोटो एडजस्ट कर लेना, ठीक है, मैं जैसा कर रहा हूँ वैसे ही करना। फिर इसको हम जाएंगे स्टिकर वाले ऑप्शन पे। मैं यहाँ से ये विग्नेट वाला स्टिकर ले रहा हूँ। तो मैं आपको क्या करूँगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका डाउनलोड PNG लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो विग्नेट ऑप्शन के जाने के बाद आप जाएंगे ये वाला स्टिकर में, तो इसको हम करेंगे लाइटिंग। ब्लेंड करने के बाद तो हमको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा ऐसा, और इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो ओवरले करता हूँ, ओवरले में अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इसको मैं एडजस्ट करने के बाद मैं जाऊँगा इसको डुप्लीकेट कर दूँगा, ठीक है। तो इसको डुप्लीकेट करने के बाद ले आएंगे इस तरफ लेने के बाद इसको हम करेंगे ह्यू थोड़ा चेंज, ह्यू करेंगे नीला। इसको करेंगे डन। डन के बाद मैं जाऊंगा ऐड फोटो पे। ऐड फोटो पे जाने के बाद मैं लूंगा और एक विग्नेट, तो ये वाला PNG हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद तो हम लोगो इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा। हाँ, तो एडजस्ट होने के बाद हम करेंगे डन। अभी हम लोगों को इसमें टेक्स्ट ऐड करना है। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, तो आप लोग किसी भी ब्राउज़र से ओपन कर लेना। तो टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे जो नाम है तो इस नाम को हम कर देंगे क्लियर। क्लियर करने के बाद आप आपका गेमिंग चैनल का नाम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ स्नैक्स, ठीक है। स्नैक्स लिखने के बाद मैं इसको थोड़ा करूँगा टीरा। तो टीरा करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा स्टाइल पर। स्टाइल पर जाने के बाद यहाँ है जो लेटरिंग वाला ऑप्शन, तो यहाँ पर जो बगल का ऑप्शन है इसको टिक करके हम थोड़ा एंगल को टीरा करेंगे, थोड़ा छेड़खानी कर देंगे, उतना मत करना ना कि खराब लगे, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे डाउनलोड पे। डाउनलोड में जाने के बाद ये PNG ट्रांसपेरेंट जो है ना, तो ये PNG ट्रांसपेरेंट पे जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद हम जाएंगे फिर से हमारे पिक्सआर्ट ऐप पे। तो यहाँ आके हम लोगों को जाना पड़ेगा फिर से टूल वाले ऑप्शन पे और AI एनहेंस। तो AI एनहेंस के जाने के बाद हमको कर लेना पड़ेगा थोड़ा फोटो के एनहेंस कर लेंगे। तो इनहेंस होने के बाद थोड़ा फोटो का क्वालिटी बढ़ गया है, क्लियर भी हो गया, ठीक है। तो अभी इसको डन करके हम जाएंगे ऐड फोटो ऑप्शन में। तो ऐड फोटो ऑप्शन में जाने के बाद हमने जो टेक्स्ट का PNG डाउनलोड करके रखा है वो वाला लेके हम कर लेंगे थोड़ा एडजस्ट। तो एडजस्ट करने के बाद हम जाएंगे टूल वाले ऑप्शन पर। टूल वाले ऑप्शन में जाके हम लेंगे स्क्वायर वाला ऑप्शन। स्क्वायर वाला ऑप्शन को जाके डन कर देंगे तो ये हो गया आपका गेमिंग चैनल का लोगो हो गया, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे टेक्स्ट वाले ऑप्शन में, तो जाके हम लिख देंगे क्या गेमिंग। गेमिंग लिखने के बाद हम इसको करेंगे डन। फिर आपको इसका टेक्स्ट चेंज करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट मेरे पास है तो मैं ये वाला टेक्स्ट का लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो इसको हम करेंगे थोड़ा स्पेसिंग हाई, ठीक है, 50% कर लेना, ठीक है। उसके बाद इसको नीचे आपके जो PNG है उसके थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा। लाने के बाद ऐसे करने का इसका कैपेसिटी कर देंगे हम लो, ठीक है, हम करेंगे आधा, ठीक है, 50 कर देंगे ना। 50 करने के बाद इसको करेंगे हम थोड़ा छोटा, अच्छा लगे, ठीक है। उसके बाद हमको इसको करना पड़ेगा डन, ठीक है। डन मारने के बाद हमको जाना पड़ेगा इफेक्ट्स वाले टूल पे। इफेक्ट्स वाले टूल पे बाद हम जाएंगे ब्लर वाले ऑप्शन पर। ब्लर को टिक करके हमको करना पड़ेगा इसका ब्लेंडिंग चेंज, कर देंगे लाइटिंग पर, ठीक है। लाइटिंग पर होने के बाद फेड थोड़ा कर देंगे हम लो, ठीक है।
फिर हम जाएंगे इफेक्ट्स में, शार्पनेस को थोड़ा कर देंगे हाई। के बाद हम फिर से इफेक्ट्स वाले टूल पे जाके लेंगे गियर वन वाला, तो इसका फेड रखेंगे हम 70 में, ठीक है। तो इसको कर देंगे डन। डन होने के बाद आपका गेम